शाजापुर जिले के पोलायकलां में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भाजपा के इस पूर्व विधायक अरुण बेवाद ने ज्योतिराज सिंधिया को नामर्द बताया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस सरकार को गिराने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक भीमावत ने काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को भी चेतावनी दी। पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया है, इस कमलनाथ सरकार को गिराना चाहिए। वे ज्योतिराज सिंधिया को नामर्द जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वे कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, इससे हमारी भावनाएं भी बढ़ी। ईश्वर ने हमारी बात को सुना, जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना। तो दिग्विजय सिंह का भी मन कहीं ना कहीं जो वहां प्रताड़ित था, उन्होंने भी फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाजपा के पूर्व विधायक ने अमर्यादित बयान के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अकोदिया की ऐतिहासिक सभा जिसमें किसानों, गरीबों और मजदूरों ने भाग लिया, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है वह कहीं न कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को बताता है। स्पष्ट रूप से ज्योतिराज सिंधिया जी, मेरे सवाल है कि पूर्व विधायक आपको नवर्द नेता कह रहे हैं, यदि आपको मान सम्मान की इज्जत भारतीय जनता पार्टी में जाकर मिला, इसका जवाब मुझे सिंधिया जी देने का काम करें। और जिस तरीके के शब्दों का चयन एक नेता के प्रति करा गया, मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्य है। जब सिंधिया जी के प्रति इस तरह के भाव हो तो हमारे प्रति क्या भाव होंगे? हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वही ज्योतिराज सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, इससे हमारी भावनाएं भी बनी। ईश्वर ने हमारी बातों को सुना, जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना। तो दिग्विजय सिंह का भी मन कहीं ना कहीं जो वहां प्रताड़ित था, उन्होंने भी फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो मैं आप